इस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे वो चीज़ है जी मैगजीन ऐड मैगज़ीन जो है वो तो तकरीबन आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म होगा कि मैगज़ीन जो है वो क्या होता है बेसिकली ये एक पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैगजीन जो है वो प्रिंट किए जाते हैं जैसे कि लाइफस्टाइल के ऊपर मैगजीन होते हैं फैशन के ऊपर मैगजीस होते हैं आई के हवाले से अब जो है वो बहुत ज्यादा मैगजीन जो है वो बन रहे हैं इसके अलावा कुकिंग और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट मैगजीन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे रैक में आपको मैगजीन्स जो है वो लाजमी मिलते हैं अच्छा मैगजीन ऐड जो है उसके हवाले से अब हम अगर बात करें तो मैगजीन ऐड का जो साइज है वो डिपेंड करता है मैगजीन के साइज पे डेफिनेटली जिस साइज का मैगजीन होगा उसी के हवाले से जो मैगजीन का एड है उसका आप साइज जो तो है वो डिटर्मिन करेंगे आमतौर पर जो मैगजीन्स पाए जाते हैं वैसे तो डिफरेंट साइजेस के मैगजीन होते हैं ए फोर का भी होता है ए फोर साइज से बड़े साइज का भी होता है मैगजीन लेकिन आमतौर पर सबसे ज्यादा जो कॉमनली पाए जाने वाला साइज़ है वो ए फोर ही है मैगजीन्स के अंदर तो लिहाजा हम जब ए फोर जब हम ऐड डिज़ाइन करते हैं मैगजीन के हवाले से तो वो हम उसका जनारिकली जो अभी हम साइज रखेंगे वो हम ए फोर ही रखेंगे लेकिन आप अगर किसी भी मैगजीन के हवाले से सेम करें कि उस मैगजीन का एग्जैक्ट साइज क्या है उसके हवाले से ही आप उसका अपना जो पेज का अपनी लेआउट का जो साइज रखेंगे वो उसके हवाले से ही आप रखेंगे मैंने आपके लिए जो टॉपिक चूज किया है इस लेसन के लिए वो वॉच का टॉपिक है घड़ी हम घड़ी का एक जो है वो मैगजीन एड क्रिएट करेंगे अच्छा एक और आखिरी टिप मैं आपको देता चलूं कि देखें मैगजीन ऐड के अंदर हम थोड़ा सा बोल्ड तरीके से प्ले कर सकते हैं आ, इसका मतलब ये है कि हम इमेज के साथ इमेजरी को ज़्यादा हाईलाइट करके और कम शेप्स के साथ भी हम जो है वो अच्छे मैगजीन ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो चलें चलते हैं और इसी तरह का एक इमेज बेस्ड मैगजीन ऐड जो है वो हम क्रिएट करके देखते हैं फोटोशॉप में अच्छा जी सबसे पहले फोटोशॉप में जो है मैं साइज क्रिएट करूंगा यहाँ पे मैं प्रिंट मीडिया में जाके ए फोर साइज सेक्ट कर रहा हूँ इंचिस के यूनिट के साथ और ओरिएंटेशन मैंने जो है वो आ, वर्टिकल रखी हुई है रेजोल्यूशन 300 और कलर मोड क्योंकि आपको पता है कि मैगजीन एड भी जो है वो प्रिंट मीडियम के हवाले से डिजाइन किया जाता है लिहाजा आप इसमें कलर मोड जो है वो सी एम वाई के ही सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पे क्लिक करते हैं और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे सामने बन चुका है बैकग्राउंड लेयर को हम जो है वो कर लेते हैं ओके अच्छा यहाँ पे मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है जो कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने लगा हूँ फोटोशॉप के अंदर ये जो पिक्चर है मेरे पास ये पड़ी हुई है जनाब अली वॉच की और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है एक अदर बाजार आपको ऐसे शूट्स मिल जाते हैं या ऐसे इमेज नेट पर भी मिल जाते हैं या आप खुद से भी शूट कर सकते हैं जिनमें आप टेक्सेज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत बना सकते हैं लाइट बहुत अच्छी क्रिएट हुई होती है इस तरह के इमेजेस को लेके आप अगर एक ऐड बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शेप्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती आप उस इमेज के साथ सिर्फ अगर टेक्स्ट वगैरह अच्छे तरीके से अरेंज कर लें और अच्छी कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लें तो वो भी एक बहुत डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड किस्म का आपका मैगजीन ऐड जो है वो क्रिएट हो सकता है अच्छा इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके इसको मैं कंपोज करता हूँ तकरीबन यहाँ पे अच्छा अब ये इस इमेज के अंदर मेरे पास पीछे बैकग्राउंड पे बहुत खूबसूरत टेक्सचर है यहाँ पे कुछ डार्क्स हैं जिनकी मदद से मैं यहाँ पे टैक्स इजीली प्लेस कर सकूंगा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैंने लोगो एक जो है वो डिज़ाइन करके रखा हुआ है इसको मैंने रिवर्स में यानी कि वाइट के अंदर जो है वो यहाँ पे बना के रखा हुआ है इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ ये इलस्ट्रेटर में मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे आपको अब इसकी जो इमेजरी है वो क्लियर हो जाएगी नजर आ जाएगी ये जो इस तरह की तस्वीरें होती हैं जिनके अंदर बहुत खूबसूरत लाइट एंड डार्क्स होते हैं इनके ऊपर भी आप रिवर्स के अंदर चीज़ें जो है वो बना सकते हैं अच्छा जी यहाँ पे मुझे याद आया कि हमने इसको सेव नहीं किया तो याद रखें सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं इसको आप सेव करें क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का सेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़्याद है मैं इसको वॉच ऐड के नाम से सेव कर रहा हूँ पी जो है वो आप सेव कर लिया करें और ताकि बाद में आपको कभी भी अगर आपका जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाए या कोई भी मसला हो तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो आपकी फाइल जो है वो वहाँ पर आपके सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए ताकि जो आपने वर्किंग की है वो ज़ाया ना हो अच्छा यहाँ पे एक और मैं आपको छोटी सी टिप देने लगा हूँ हम अगर व्यू में आए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जी न्यू गाइड लेआउट की ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जनाब अली लेआउट क्रिएट करने के लिए फोटोशॉप के अंदर इसमें मैं कॉलम्स और रोज को वन और वन की ऑप्शन दे रहा हूँ इसके बाद ये गटर वगैरह जो है ये चीज़ें अगर आप लोगों को याद हो तो मैं जब आप लोगों को इन डिज़ाइन पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्जिन क्या होता है गटर क्या होता है तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं अच्छा अब यहाँ पे मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ पॉइंट फाइव इंचज का हर तरफ से मैं चारों तरफ से इसको पॉइंट फाइव इंचज का मार्जिन ऐड कर रहा हूँ और ये मैं मार्जिन इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि मेरा लोगो और मेरा टेक्स्ट और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे इस एड के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं वो इस सेफ मार्जिन के अंदर रहनी चाहिए और इसके बाहर जो है वो ना जाएं और ये इसके अलावा हमें ये जो तरीका कार है इससे एक ये भी हेल्प होती है कि हमारी जो लेआउट है वो बनाने में भी आसानी हो जाती है चीज़ों को प्लेस करने में मदद मिलती है अच्छा जी अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कैप्शन इसको मैं बड़ा कर रहा हूं इसको मैंने वाइट कलर के अंदर टाइप किया ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा मेरा हैवी ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे मैं आके एक फॉन्ट जो है मैंने पहले से रखा हुआ है यहाँ पे ये मैं ऐड करूंगा पर्टी के नाम से ये फॉन्ट है इसमें मैं इस फॉन्ट को थोड़ा एक तो बड़ा करता हूँ इसके अलावा ये जो टी है इसको मैं देखता हूँ कि ये अगर हम स्मॉल कैप्स के अंदर लिख के देखें टी तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आपको खुद से अंदाज़ा करना होता है जब आप टाइपोग्राफिकल वर्क कर रहे होते हैं तो आपको देखना होता है कि आपका कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल कैप्स में या अपर कैप्स में जो है वो ज़्यादा सूट करेगा आपके डिज़ाइन को तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जो है वो प्लेस करना होता है अच्छा जी इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ये मैं सेट कर लेता हूँ कंट्रोल ए वाली ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताई है कि जब आप कंट्रोल ए करते हैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट का जो साइज होता है वो सिलेक्ट हो जाता है उसके अंदर अंदर फिर आप जो भी चीज अरेंज करेंगे या अलाइन करेंगे वो उसके हिसाब से अलाइन होगी तो ये जनाब अली हमने कैप्शन भी इसको लगा दिया है अच्छा अब हम यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास कुछ स्पेस मौजूद है जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि मैं पहले भी आपसे इसका जिक्र कर चुका हूँ एल एपसम डॉट कॉम इधर से मैं कोई भी एक पैराग्राफ जो है वो डमी टैक्स के तौर पे जो है वो चूज़ कर लेता हूँ इसको मैं कॉपी करता हूँ वैसे आप यहाँ से आके जनरेट भी कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है टैक्स उसी को एज़ अ डमी टैक्स हुआ है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ अच्छा मैं क्या करूँगा कि मुझे बेसिकली यहाँ पे चाहिए एक टेक्स बॉक्स तो मैं टी पे प्रेस करूँगा और टी पे प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करूंगा जिसकी मदद मतलब से मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है ये पेयर हो जाएगा अब यहाँ पे मैं आके कंट्रोल वी यानी के जो है वो पेस्ट करूंगा टेक्स्ट को जो मैंने वहां से कॉपी किया है और इसका फॉन्ट जो है वो मैं अब यहाँ से चेंज करता हूँ इसको मैं मायरेड प्रो रेगुलर लगाने लगाऊँ मेरा बहुत ही फेवरेट फॉन्ट है बहुत से डिजाइनर्स का फेवरेट फॉन्ट है ख़ासतौर पर कॉपी टेक्स के लिए ये बहुत ही मौजू फॉन्ट है मायरेड प्रो क्योंकि इसकी जो शक्ल है और इसकी जो स्पेसिंग है वो बड़ी ही मोजू है अगर आप पैराग्राफ टेक्स लगाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा जी अब यहाँ से हमारे पास करेक्टर और पैराग्राफ की ऑप्शंस हैं तो यहाँ से आके मैं इसको लगा देता हूँ जस्टिफाई इसको जस्टिफाई कर देता हूँ टेक्स्ट को ताकि ये खास सिमेट्रिकल शेप के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है हमारा वो मौजूद हो जाए ठीक है जी तो ये हम यहाँ पे जो हमारी बॉडी टेक्स्ट है वो हम लगा सकते हैं बल्कि इसका साइज़ भी हम थोड़ा छोटा करेंगे इसको मैं 12 का फॉन्ट जो है वो मैं लगाता हूँ 12 का साइज़ जो कि यहाँ पे बॉडी टेक्स के लिए जो है वो ठीक होगा इसको कंट्रोल सी करके मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये मेरा जो है वो पैराग्राफ जो है वो कम्प्लीट हो जाए अच्छा जी अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स एड कर सकते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे जो घड़ी जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं उस ब्रांड की घड़ी की कुछ खास बात है वो ख़ास पॉइंट्स हैं उसके हवाले से तो वो हम यहाँ पे आके जो है वो ऐड कर सकते हैं उनके लिए भी मैं अगेन इसी डमी टेक्स को ही कॉपी करके इसी को मैं न्यू लेयर लेके यहाँ पे आके कर पेश कर रहा हूँ इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे अब प्लेस कर दूँगा इसको मैं कंट्रोल ए करके बल्कि ये टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं अब इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर ला के प्लेस करूंगा और जनाब अली इसको मैं दे दूँगा सेंटर अलाइंट ठीक है जी इसको मैं सेंट्रलाइज अलाइन कर रहा हूँ इसका साइज जो है वो बड़ा कर सकते हैं इसको हम 14 का साइज जो है वो हम लगा सकते हैं ताकि हम इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे शेयर कर सकें अब आप देख रहे हैं कि ये वाइट कलर का टेक्स जो है वो इस इमेज के ऊपर कितना सूट कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट जो है ये क्रिएट कर रहा है इसको थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को अलाइन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अलाइनमेंट के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो पहले ही मैं ले चुका हूँ वो मेरे पास मौजूद हैं अच्छा दोस्तों साथ साथ आप अपनी फाइल को कंट्रोल एस करना ना भूला करें यानी कि सेव करना ना भूला करें ताकि जो भी वर्किंग आप करते जा रहे हैं वो आपके पास सेव रहे और महफूज रहे अच्छा जी अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फुटर ऐड करने के लिए यहाँ से आके एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और नीचे यहाँ पे एक मैं वाइट कलर का जो है वो शेप क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है जी इस वाले फॉन्ट को हम राइट right क्लिक करके लिंक लेयर कर लेंगे जो भी लेयर्स आपकी जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं उनको आप लिंक कर लिया करें ताकि आपके पास आसानी रहे उनको एडिट करने के हवाले से अच्छा जी अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कुछ आइकॉन्स मौजूद हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के इनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अच्छा जी इस लेयर को मैं करूंगा ऊपर और यहाँ पे ला के मैं इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज़ कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ दोनों आइकॉन्स को छोटा ताकि ये यह यहाँ पे फिट इन हो सकें इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर रहा हूँ ये जब आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हो तो आप कोशिश किया करें कि जूम करके काम करें ताकि आप आप बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए इसको मैं उठा के थोड़ा आगे ले जाता हूँ तकरीबन यहाँ पे अच्छा जी अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं फेसबुक वगैरह के हवाले से यहाँ पे हम स्लैश ए बी सी वॉच जो है ये टाइप करेंगे अच्छा यहाँ पे याद रखें मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे हर चीज़ फर्जी फर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ टेक्स्ट भी और लोगोस uh, भी और इमेजेस भी लेकिन आप लोग जब अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो आप लोगों ने उस क्लाइंट के जो इमेजेस हैं या उसकी प्रोडक्ट के इमेजेस उसके लोगोस और क्लाइंट के ही जो रेलिवेंट चीजें वही आपने इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ अब इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ लेयर को और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे ठीक है जी इसको मैं इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ और ये जो इंस्टाग्राम वाला लोगो है इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ अब हमारी रह गई है जनाब यहाँ पे वेबसाइट तो हम डब्ल्यू 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 डॉट ए बी सी डॉट कॉम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अलाइन। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम जब सेव करते हैं फाइल को जब हम डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं तो उस वक्त हम पी एस डी फॉर्मेट के अंदर अपनी फाइल को सेव कर रहे होते हैं लेकिन आ, कोशिश करें कि अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे प्रिंटिंग के लिए फाइल चाहिए तो फिर आप उसको डायरेक्ट टिफ जो है वो बना के दें आपको याद होगा मैं आप लोगों को पी और टिफ और जे जैसी तमाम फाइल फॉर्मेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पहले बता चुका हूँ तो आप लोग प्रिंटिंग के लिए टिफ फाइल जो है वो एक्सपोर्ट करके या सेव करके अपने क्लाइंट को दीजिएगा आई uh, होप कि आप लोगों को इस लेसन का जो है वो काफी फायदा होगा नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह की कोई और मजे की चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे